नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं राजेंद्र पाटिल जी, जो कि जे कॉलेज ऑफ आर्ट में एक लेक्चरर के तौर पर कार्यरत हैं और कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ल्ड में अपनी एक जगह बनाई हुई है। तो राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता और इस फील्ड की ओर आप कैसे अग्रसित हुए व किन किन लोगों का आपके जीवन में प्रभाव रहा है, उस विषय में आप दर्शकों से कुछ साझा जरूर कीजिएगा। हाँ, जैसे कि मेरा जो जन्म हुआ है असल सन 1966 में हुआ, 1 जनवरी को। ये चोपड़ा तहसील है हमारा, नॉर्थ उत्तरी महाराष्ट्र में, जैसे तापी नदी और ये सातपुड़ा रेंज के बीच में बरानपुर रोड पे आता है। तो वहां पे मेरा जन्म हुआ। तो मैंने प्राथमिक शिक्षा जो जिला परिषद में होती है, जनरली जो छोटे गांव जो तहसील के अगल बगल में जो इलाके होते हैं, किसान परिवार में से मेरा जन्म हुआ है। तो प्रैक्टिकली एक मैनुअल किसान फैमिली, 6-7 भाइयों का गांव था हमारा, 800-900 पॉपुलेशन होगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो इस तरह का एक सिंपल बैकग्राउंड, जैसे उन दिनों में 60s 70s में जो विलेजेस की अब दशा थी, आपको पता है कि शिक्षा के स्तर क्या होगा। तो उस अवस्था में मेरा आर्ट में रुचि, मुझे बाय इंस्टिंग था ऐसा। ओके, बाय इंस्टिंग में पूरे क्लास की ड्राइंग मैं ही करता था। हालांकि मेरे पास ड्राइंग के कुछ संसाधन ज्यादा, कलर वलर ये सब नहीं था, लेकिन पिताजी कुछ शिक्षा के बारे में थोड़े बहुत जानकार थे। उस टाइम में 7th फाइनल उन्होंने किया था, बोले तो लिखे पड़े थे, गांव के हिसाब से जागरूक थे थोड़े से। तो मुझे उन्होंने काफी इंकरेज किया कि भाई ड्राइंग ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बेसिक फंडामेंटल। और मेरी मदर को भी भाई ऐसा नेचर, उनको जो वॉल डेकोरेशन होता है घर में, तो रंगोली वंगोली महाराष्ट्र में जो कल्चर है वो बहुत अच्छा करते थे, डायरेक्टली करते थे, बाकी लोग ग्राफ करके करते थे। तो उनके अंदर में भी था, मेरे चाचा बहुत अच्छे क्राफ्टमैन थे। ओके, तो ही वॉज हैंडीकैप एंड ही वॉज वेरी मच सेल्फ टॉट, बट आपको सराया तो उस तरह के वो आर्टिस्ट है। तो बच्चों को खुश करना, कुछ चीजें खिलौने बना के देना है, कुछ कुछ जी। कला के क्षेत्र में आपको किनसे ज्ञान वर्धन हुआ और इसमें आपको किसने गाइड किया इस तरह की, किस तरह की फील्ड भी होता है? 8-9 में मैं ड्राइंग अच्छा करता, तो पूरे मेहमान जो आते थे घर में, तो पिताजी सरपंच वरपंच हुआ करते थे, तो उनको पूरे मेहमानों के सामने मुझे बिठा के दिखाओ भाई तूने क्या किया, तो इंकरेजमेंट वो हमेशा करते थे उस तरह का। ओके, तो उस दौरान जो भी गेस्ट आए हो, तो उसमें से अचानक से वो गेस्ट आ गए, तो उन्होंने आर्ट मास्टर करा था जे में उस टाइम में 60s 70s में। तो उस संस्कार का बहुत बड़ा संस्कार वहां था, तो वहां मैंने फर्स्ट ईयर किया, उन्होंने मेरे को दाखिल करवा दिया, क्योंकि वहाँ के पुराने स्टूडेंट भी रहे और उन्होंने आरा वरा को भी जानते थे वो टाइम में। ओके, बॉम्बे के दौरान उनको काफी स्टोरी जे अपना जे की, और उन्होंने मास्टर उन्होंने किया था, तो मुझे एक रिलेटिव की तरह उन्होंने दाखिल करवाया था। और वहाँ के पूरे टीचर उनके दोस्त थे, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, और उन्होंने काफी मुझे फिर मेंटली एज आर्टिस्ट करके, कोई कोर्स करना छोटे निजी कॉलेज में एक नौकरी के लिए होता है ना, तो उन्होंने पहले से मुझे ऐसे आर्टिस्टों की पूरी कहानी सुना सुना के, भावना के आविष्कार, ये वो सब बड़ी बड़ी बातें जो फर्स्ट ईयर में पता नहीं होते अपने। तो उन्होंने मुझे पूरा डोज देके तो काफी प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। तो मैंने 1 साल मैंने वहाँ खिरोदा में किया जी। पहले जैसे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट का एक जूनियर बा छात्रों के प्रति एक व्यवहार होता था, जो वो लोग हमेशा सपोर्ट करते थे, तो क्या आपको भी किसी आर्टिस्ट का, किसी टीचर का ऐसे सपोर्ट मिला है? हाँ जी, वही से मैं जैसे फर्स्ट ईयर किया, तो वहाँ काफी डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि वो मिनिस्टर का कॉलेज था ना, एजुकेशन मिनिस्टर थे और बहुत बड़े लिखे पढ़े मिनिस्टर थे, उस तरह के आज की तरह नहीं थे। तो उनका कॉलेज बहुत छोटा था, लेकिन वहाँ पे उनके वजह से, उनके नाम की वजह से वहाँ अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आके डेमोन्स्ट्रेशन करते थे वो कॉलेज में। हाँ, उन दिनों वहाँ पे पलसीकर सर का, MR आचरेकर सर का, काफी बड़े बड़े आर्टिस्टों का वहाँ पे डेमोज का पेंटिंग रेफरेंस रखा हुआ था। जी, हम जानना चाहते हैं आपने बॉम्बे की ओर रुख कब किया? फर्स्ट होने के बाद फिर बॉम्बे आना पड़ा। फिर उन दिनों में 80s 85 में मैं बॉम्बे आया। मैंने जे में जब मैं आया, तब तक ये डिग्री कोर्स का सब एग्जाम, आर्ट एजुकेशन का एक कोर्स होता है हमारे यहाँ, टीचर्स ट्रेनिंग का। ओके, तो उसमें दाखिला मिल गया जी। और जे आपने कब से ज्वाइन किया? जे में मैं 92 में किया। 92 में ज्वाइन किया।
तो मैंने उसके दौरान मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो बीए हिस्ट्री मैंने किया वहाँ पे, इंग्लिश हिस्ट्री जहाँ पर। तो मैं मॉर्निंग में ग्रेजुएशन बीए करता था और दोपहर में 1 बजे से 7 बजे तक फाइन आर्ट का कोर्स। इनहेरेंट क्वालिटी में अच्छा था, लेकिन टेक्निकली नॉज एनाटॉमी ये वो सब चीजों में बहुत आलसी था उस तरह का। तुरंत उसी कॉलेज में मैंने जॉब मिल गया जी जी। तो मैंने मैंने डिप्लोमा में जो पूरे महाराष्ट्र में मैं फर्स्ट किया था, फिर गोल्ड मेडल वगैरह मुझे कॉलेज का भी मिला था, बेस्ट एकेडमिक स्टूडेंट बीए करते करते, और मैं स्टेट में फर्स्ट भी आ गया। अरे वाह, जनरली गोल्ड मेडल वगैरह जो वहाँ होता है जो टीडीएट एग्जाम जी। आपने अमूर्तन में काम करना कब से शुरू किया? अमूर्तन का ऐसा रहा कि मैं उन दिनों जब मैं जैसे कॉलेज में था, तो हमारा रेगुलरली वेरी फर्स्ट ईयर से जैसे जेजे में मैं 1 साल 1.5 साल किया, तो रेगुलर जहांगीर आना जाना होता था। तो एक कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म उन दिनों सब सब आर्टिस्ट एग्जीबिशन नहीं करते, प्रभावकारी जो कला होती थी ना उसकी काफी अच्छी अच्छी एग्जीबिशन उन दिनों लगती। जैसे कि गणेश फाइन का कोई दिल्ली आर्ट गैलरी का कोई शो हुआ करता था, और तभी जयराम पटेल, हाँ, और काफी जो लोग थे जो अभी आज की तारीख में मास्टर पेंटर्स है, लेकिन वो मैन्युअली उनकी अपने अपनी एकल प्रदर्शनी वहाँ होती थी उन दिनों से 80s में। हुसैन साहब का एग्जीबिशन देखने को मिलता था, हिब्बर्स सातवलेकर जी का, जो आज की तारीख में मास्टर बोलते हैं उनका मैन्युअल, बेंद्रे सर का मैंने फिजिकली एग्जीबिशन ताज में कई बार देखे है। स्वामी जी का एग्जीबिशन मैंने केमोड में देखा है। तो ऐसे काफी लोग थे जो अभी एक एक का नाम नहीं ले सकते। रजा 2-3 साल में रजा साहब की एग्जीबिशन आती है, तो हमको फेस टू फेस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ऐसे देखने को मिलता है जी। प्रत्यक्ष रूप से इन लोगों को देखना व इनका कामों को देखना ये एक अजब सा अनुभव है। अच्छा, महाराष्ट्र में एक रियलिस्टिक का बड़ा अप्रोच है, तो आप पर अमूर्तन का प्रभाव कैसे पड़ा? और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटर खोलते हैं, सर है, सालवे सर है, परब सर है, वो सब अच्छा पोर्ट्रेचर, क्योंकि पलसीकर जी का बहुत बड़ा इम्प्रेशन था उनके ऊपर। तो सब लोग वो सब करना जानते थे। तो जेजे का तो लाइब्रेरी बड़ा ही था, लेकिन रुहिया का लाइब्रेरी मेरे हाथ में ये सब इज़म के बुक्स है वो सब मुझे मिल गए, एक सेक्शन ही था रेफरेंस सेक्शन। तो वहाँ मुझे आर्चल गोर्की का एक किताब मिल गई, उन लोगों में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, पिक्टोरियल कंपोजिशन सीखते ना हम लोग, आर्चल गोर्की का एक लिरिकल एब्स्ट्रैक्शनिस्ट है। तो मुझे अच्छा लगा, विजुअल अच्छा लगा। उन दिनों कुछ क्राय के एग्जीबिशन में बड़े बड़े आर्टिस्ट के एग्जीबिशन हुआ करते थे, तो उसमें कोलते सर का कुछ कुछ पेंटिंग मुझे भाग गया उस टाइम में। रजा साहब का कुछ पेंटिंग अच्छा, तो वो एक सब लर्निंग स्कूल थे वो टाइम में बच्चों को। ये मैं भले कोलते सर को इतना नहीं जानता था जब भी मैं, लेकिन कोलते सर और मेरे टीचर जो थे फाइन आर्ट पेपर, तो वो एक क्लासमेट थे। तो दोनों का टेस्ट एक जैसा था, मोहन सामंत जी का फॉलोअर थे वो इस तरह के, तो मुझे उस तरह से लीड करते गए। उन्होंने कभी बताया नहीं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मेरा टेम्परामेंट उस तरह का था, और उस तरह के समझने वाले टीचर अगर आपके सामने है तो आपको बिना सिखाए सिखा देते हैं वो लोग। पानी किधर बह रहा है, तो उनको खाली भाव देने की लाइन जो होती है, उस तरह के मेरे टीचर जो थे कदम सर, बहुत जानकार आदमी थे, पलसीकर जी के बहुत काफी स्कॉलर स्टूडेंट हुआ करते उस दिनों। तो उन्होंने मुझे 5 साल तक पढ़ाया था कंपोजिशन। तो वो स्पेस को फॉर्म को एक इस तरह से क्रिएट करना है, इस तरह से स्पेस अपनी अपनी खुद की क्रिएट करना है, उसको एक अलग एस्थेटिकल लेवल से डेवलप करते हैं। उसमें सब लोग सक्सेस नहीं होते, लेकिन उसको मीनिंगफुली कोई अपनी एक अंदरूनी लैंग्वेज डेवलप करके स्टूडेंट कर जाता है, तो बहुत अच्छी बात होती है जी। आपके चित्रों में क्या चाइल्डहुड मेमोरीज का कुछ इंप्रेशन है जो आप काम में इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं विजुअल का जैसा है कि मेरा स्वभाव इस तरह का है कि मैंने तुम ये मेरे लेयरिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन लेयरिंग करते करते उसमें से कुछ फॉर्म नुमा कुछ चीजें है जो मुझे ठीक लगती है, मैं उसको बरकरार रखता हूँ। तो मैं मुझे घर में हमारे यहाँ मिट्टी के घर हुआ करते, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। तो ऐसा जो उनका पैचिंग मेथड है ना ऐसा भरने का, एक दिन में जैसे जैसे ये लोग आज की तारीख में पेंटर करते हैं वैसा ब्रश ने कपड़े को लेके डाप डाप करके बढ़िया से, उनका मूवमेंट मुझे अच्छा लगता था, वे पेंटिंग था उसे। तो वो एक इंस्पिरेशन भी था, तो उस तरह के संस्कार अपने गाँव में तो पूरे उन दिनों 50 साल पहले का जो रीति रिवाज था वहाँ तो पूरा हैपनिंग विलेजेस में ज्यादा होता था। आर्म्स और इसके ऊपर औजार के ऊपर ही आदमी ने डेवलप किया है। जैसे मैंने मैंने ऑब्जर्व किया है कि औजार खेती के औजार जैसे होमो सेपियन की तरफ से आप देखेंगे अफ्रीका से ट्राइब जैसे आदमी जो हुआ, उसके बाद में डेवलप होते होते एग्रीकल्चर एग्रीजन एक जहन में रहता है। तो आर्ट को मैंने सेपरेट नहीं किया, समझने तो ये सब स्टोरी तो मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाता हूँ, रियलिस्टिक में वो नहीं कर पाता। तो मैंने ये सब
इमेजरी जो मेरी है उसमें एट्रोसिटी जैसी होती है। पहले 10वीं सदी तक हम लोग आराम से रहते थे, बिल्कुल मुगल इन्वेडर जो आए उसके पहले हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म था, शांति था, सब आबादी आबादी था, तो काफी केव्स वगैरह आर्ट बहुत बढ़िया हुआ वहाँ पे। लेकिन बाद में जो चेंजेस आए वर्ल्ड में, जैसे अमेरिकन हिस्ट्री आप देखेंगे तो अमेरिका में सब हथियार के दौर पर लोगों ने वहाँ पे रेड इंडियन को खत्म किया, फिर कल्टिवेशन किया, रिलीजियस डेवलपमेंट किया, वो भी है। तो डेवलपमेंट हथियार के जोर पे होता है और एक औजार होता है खेती का हो या किसी इंडस्ट्रियल का हो। हाँ। तो वो दोनों फैक्टर मुझे मेजर लगने लगे यार। ओके। तो मेरे फॉर्म उस तरह के डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन उस तरह के मैंने एक लैंग्वेज मेरे इसमें आ गई अंदर नहीं। जी हम जानना चाहते हैं कि आप अपने जॉब को और अपने काम को कैसे बैलेंस कर लेते हैं। मैंने डे वन से मैंने नौकरी इसलिए किया कि मेरा आर्ट में शांति से करूं। सही। तो मैंने उस तरह से अपना काम में धीरे धीरे इम्प्रोवाइज किया बहुत सारा। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के 2 बार गोल्ड मेडल मिले उसके उसी तरीके के काम। तो उन दिनों वो सब ओपन फेयर का जो टाइम एंड स्पेस के साथ जो एक एमलगमेशन मैंने दिखाने की कोशिश किया है उसमें काफी आर्टिस्टों के प्रभाव भी होते थे उसमें। तो उन दिनों माकरोत को भी अच्छे लग रहे थे, न्यूमन भी अच्छे। वो जैसे जैसे समझ बढ़ती है तो आपको अलग अलग दिशा में। बिल्कुल। अभी भी मैं क्लास में अभी भी मैं स्टिल लाइफ मेमोरी ड्राइंग फंडामेंटल ड्राइंग ऑब्जेक्ट वो भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। हाँ तो फॉर्म में इस तरह की मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ पहले से किया है, जैसे एक टाइप का या न्यूरोलॉजिक इमेजेस मैंने गैदर किए वो अपने आप करते करते क्रिएट हो गए। Okay. तो उसको एक डेफिनेट जैसे कि जनरली एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि एक फॉर्मेशन लोगों को आदत हो जाती है कि ये भाई ये पेंटिंग स्वामी जी जैसा दिखता है, ये बोलते सर जैसा दिखता है, ये आइटमोलॉजी जैसा दिखता है, ये बर्वे सर जैसा दिखता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट में दो चार हमारे यहाँ घराने आए हैं। हाँ, बिल्कुल। या तो वर्ड में भी जैसे माकरोत है, रोजनबर्ग है, न्यूमन है, जो भी है, फ्रैंक टेलर। तो उसमें ये सब चीजों को कहीं ना कहीं आपको अधोरेखित करने के लिए अपने लिए अपनी स्पेस बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में जितने भी नामी ग्रामी है तो वो पुरानी पीढ़ियों ने अपना काम किया है। हाँ। तो अभी आप गायतोंडी जी का अभी पिक्टोग्राफी देखेंगे, उनका जैन फिलोसॉफी देखेंगे, फिर भी वो कहीं ना कहीं माकरोत का पॉल क्ली का नाम उनके साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने उनके उनका जो तत्व ज्ञान है, उनका जो टेम्परामेंट है, उसकी उसकी कला होती है। एक्चुअली बिल्कुल सभी लोग जिस प्रकार अलग अलग हैं उनकी सोच भी भिन्न होती है। कई जगह ऐसा होता है कि एक जैसे काम दिखते हैं पर वो एक तरह का प्रभाव नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों की सोचने की क्षमता एक जैसे भी हो सकती है कई बार। नहीं ऐसा बहुत बार होता है कि दो लोग साथ साथ में सेम लाइन पे सोच सकते हैं, दो लोग चार लोग उस तरह का एक विचारधारा होती है आर्ट। बिल्कुल। मेथड ऑफ वर्किंग है उसमें सिमिलरिटी है, कहीं ना कहीं आ जाती है और कहीं कभी लगता है मैंने पहले सोचा था लेकिन उसके पहले किसी ने और ने सोच लिया होता तो उसमें कोई गैर भी नहीं। आर्टिस्टों ने ऐसा सोच के ज्यादा उसमें ज्यादा मैंने जाना नहीं चाहिए क्योंकि अपनी कुछ भी अपने इधर से आने वाली है। किसी का मोटो कुछ अलग होता है, जो आपका मोटो जो है एटीट्यूड जो है वो आर्ट का उसी के ऊपर इवैल्यूएशन होता है कि आपका आर्ट करने का पीछे क्या विचारधारा है उसी को बरकरार रख के एस्थेटिक में काउंट होता है। अगर एस्थेटिक को भी समझने का अलग अलग आपकी इंस्पिरेशन अलग होते हैं, आपकी सोच और आपकी ऑब्जेक्टिव अलग है ना, तो उस तरह से अपना काम रीड किया जाता है। जी आप नए जो स्टूडेंट्स हैं या आर्टिस्ट हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो अभी का माहौल थोड़ा बदलाव है लेकिन इसमें वेलकमिंग चीजें बहुत है कि बच्चे अलग अलग आयाम से सोचते हैं। बिल्कुल। अलग अलग चीजें अभी उभर के आ रही है। एक सेट फिलोसॉफी था एजुकेशन ने उसको अभी काफी कल्ट अलग अलग आ गए और उसमें अच्छा बुरा पता नहीं है लेकिन हो तो रहा है कि काफी सारा हैपनिंग अभी न्यू मीडिया में आ गया और इम्पोर्टेंट है बच्चों ने अपनी सोच के ऊपर ध्यान देना चाहिए और पॉसिबल टेक्नोलॉजी को जितना हो सके उतना एडॉप्ट करना चाहिए मेरी हेल्थ। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, आपने बहुत सही सही सटीक बातें की हैं जो हमारे दर्शकों को बहुत काम आने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ भाई गोविंद विश्वास बहुत बड़ी विश्वास जगा रहे आप कला क्षेत्र में, बड़ी बड़ी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इन दिनों सब नए जुने और यंग आर्टिस्ट के लिए आप कुछ प्लेटफॉर्म करें बहुत बड़ी सराहना आपकी करनी चाहिए और इस तरह से लोगों ने आगे आना चाहिए कि लोगों को कुछ अलग अलग बातें सुनने को मिले। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर आपने जो फाउंडेशन बना के रखा है उसके लिए सब लोगों ने लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करो और गोविंद जी को अरे वाह बोलो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जो दर्शकगण हैं वो दूसरों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।